नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि हड्डियां जो है वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है तो उसके कारण प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कोई पर्सन चलता है तो हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आती है जो बॉन्स होते हैं वो काफ़ी वीक हो गए होते हैं कि यहाँ पर जो हम वीडियो में देख रहे हैं उस तरह से हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है मतलब कि हड्डी के लिए जो जरूरी न्यूट्रिशंस होते हैं जो जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं और उसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है और उसमें से इस तरह से आवाज़ आ रही है तो जब एक्सरे भी किया जाता है तब भी पता चलता है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है फिर ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो रही है कि जैसे हेल्दी बॉन्स होता है तो उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और तो जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो हड्डियों के अंदर ये पोर्स काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और पोर्स काफ़ी ज़्यादा बनने के कारण आपकी जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होने लगती है वीक होने लगती है फिर जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे दर्द होता है हड्डियों में दर्द होता है तो आपको हड्डियाँ मजबूत करनी है उनमें ताकत लानी है हड्डियों के रिलेटेड जो समस्या है उसको ठीक करनी है तो उसके लिए एक बहुत अच्छे मेडिसिन है जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में कि जिसका नाम है कैलडीकाइन प्लस कैप्सूल तो सीखते हैं डिटेल में और ये सभी जो चैप्टर्स है उसको कवर करते हैं आज के वीडियो लेक्चर के अंदर तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन से तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं और कैल्डिकैन प्लस जो उसका ब्रांड नेम है कि जिसके अंदर अलग अलग सात जितने न्यूट्रिशन का एक कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि जो सेवन न्यूट्रिशंस इसके अंदर प्रेजेंट है कि जो हड्डियों को मज़बूत बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होते हैं कि जैसे हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं बिकॉज़ कुछ न्यूट्रिशंस की कमी होती है पोषक तत्वों की कमी होती है तो वो कमी को पूरा करके ये मेडिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प देती है तो मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो मैनकैंड फार्मा उसके मैन्युफैक्चर जो एक इंडिया की लीडिंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है कि जिसकी हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है तो आपको ऐसे ही अच्छा लगता है बहुत सारी बीमारियों के बारे में सीखना उनके उपचार के बारे में सीखना तब तो हमारी बुक भी अवेलेबल है कि यहाँ पे जो आप पीक में देख रहे हो उस तरह से मल्टी कलर प्रिंटेड बुक अवेलेबल है तो एलोपैथिक प्रैक्टिस के लिए आप ये बुक परचेस कर सकते हैं बीमारियों का इलाज सीखने के लिए उसको परचेस कर सकते हैं तो बुक की डिटेल के लिए आप हमें ये दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं तो बुक को ऑर्डर करने के लिए ज़रूर से हमें ये दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें तब तो आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं उसके यूजेज़ के बारे में तो कैल्डिक एंड प्लड्स जो है वो अलग अलग मेडिकल कंडीशंस जैसे कि एनेमिया है किसी को तो उसमें भी प्रिस्क्राइब किया जाता है किसी को रेस्पिरेटरी इलनेस है फिर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है किडनी एंड हार रिलेटेड डिसीज है स्किन प्रॉब्लम्स है हार्मोनल डिसऑर्डर से इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है और स्पेशली जो आपके हड्डियों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है बॉन्स रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसमें इसको जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है तो अब उसके लेबल की अच्छे से हम स्टडी करते हैं लेबल को अच्छे से समझ लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेबल के अंदर तो सर यहाँ पर आप देखो तो कैल्सी प्रेजेंट है मैकोबोलामाइन है ओमेगा थ्री फैट एसिड जो है इथैलेस्टर्स एसिड है कैल्सियम बोरॉन उसके अंदर प्रेजेंट है कैल्डिक एन प्लाट्स उसका ब्रांड नेम हो गया और एक जो स्ट्रिप रहती है उसके अंदर आपको 10 कैप्सूल मिल जाती है कि जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल है स्टोरेज की हम बात करें तो लाइट से प्रोटेक्ट करना है और 30 डिग्री से कम टेम्परेचर पे ही उसको जो है वो स्टोर करनी है तो ब्लिस्टर पैक के अंदर आपको 10 कैप्सूल जो है वो मिल जाती है वर्किंग के बारे में हम बात करें तो ये सात जितने अलग अलग न्यूट्रिशंस का कॉम्बिनेशन है जो एक टाइप के सप्लीमेंट्स है और ये सप्लीमेंट्स क्या करते हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको पूरा करके अपना काम करता है कि जिससे जो न्यूट्रिशंस की कमी के कारण जो आपको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं वो कॉम्प्लिकेशन ये कैप्सूल को लेने के बाद सॉल्व हो जाते हैं डोज की हम बात करें तो उसका जो एक यूजुअल डोज रहता है रेगुलर एक डोज रहता है वो एक कैप्सूल लेनी होती है पर डे और स्पेशली खाना खाने के बाद जो है वो उसको ली जाती है पर ध्यान ये रखना है कि ओवर डोज में कभी भी उसको यूज़ ना करें कि एक कैप्सूल पर डे जितना उसका डोज है तो ये डोज में यूज़ करनी चाहिए एक्सेसिव डोज में लेने से साइड इफ़ेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्राइस की हम बात करें तो दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग टू उसकी प्राइस अराउंड वन सिक्सटी है तो एक कैप्सूल अराउंड सोलह के आसपास पड़ेगी तो यहाँ पे मैं आपको फिर से रिमाइंडर देना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है उसको आप जरूर से परचेस कर सकते हैं बीमारियाँ और उनका उपचार डिसीज एंड ट्रीटमेंट तो ये बुक को ऑर्डर करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये प्रिंटेड कलर बुक आप परचेस कर सकते हैं कि जिसके अंदर डिटेल में बीमारियों की जानकारी दी गई है और कलरफुल डायग्राम्स के साथ कलरफुल मल्टी कलर प्रिंटेड बुक आपको मिल जाएगी तो बात है टॉपिक पर और समझते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में तो अगर कोई हाई डोज में लेता है और ये मेडिकेशन आपको सूट नहीं करती तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील करना कुछ लोगों को डायरिया हो सकते हैं एनोरेक्सिया यानी कि भूख कम हो जाना सिर दर्द रहना वजन कम हो जाना कमजोरी जैसा फेसूस करना ब्लोटिंग जैसा फील करने मतलब पेट में गैस बनी है फ्लैटुलंस जैसा कोई पर्सन जो है वो फील कर सकता है वार्निंग्स की हम बात करें तो अगर किसी को कैलडी काइंड की एलर्जी है तो यूज़ ना करें मतलब कि जो भी हमने सात सप्लीमेंट्स की डिस्कशन की तो वो सात में से किसी भी सप्लीमेंट की आपको एलर्जी है तो इसको यूज ना करें फिर हाइपर कैल्सिमिया का कोई पेशेंट है ऑस्टियोपोरोसिस का कोई पेशेंट है फिर मेटास्टेटिक कैल्सीफिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है फिर किडनी प्रॉब्लम्स है कैंसर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है अंडरगोन uh, सर्जरी है ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है तो वो लोग उसको यूज़ ना करें या फिर एक बार आपके uh, डॉक्टर की ज़रूर से सलाह लेनी चाहिए कि ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही उसको जो है यूज़ करना चाहिए फिर आगे समझे कैलडी uh, के बारे में प्रेगनेंसी कैटेगरी तो प्रेगनेंसी uh, के दौरान उसको यूज़ करना जो है वो सेफ है बिकॉज कि जो एनीमिया होता है या फिर कोई कैल्शियम रिलेटेड डेफिशिएंसी है बोरॉन रिलेटेड डेफिशिएंसी है तो वो ट्रीट हो जाती है ये टैबलेट uh, को ये कैप्सूल को लेने के बाद तो क्या होता है स्पेशली कि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के, के दौरान कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है जिसके कारण बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती तो गाइंगकोलॉजिस्ट कई बार ये सप्लीमेंट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं सो प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही आपको उसे यूज़ करना है बिकॉज कई बार क्या है कि इसके ड्रग ड्रग इंटरेक्शन काफ़ी है कि बहुत सारे मेडिकेशन के साथ ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन्स कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम ये लिस्ट देख रहे हैं अगर इनमें से कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो उसके साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में कैल्डिक प्लस को यूज़ ना करें फिर यहाँ पे एक दूसरा लिस्ट है उसका तो अगर इनमें से भी कोई आप मेडिकेशन ले रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि ये दवाइयों का कॉम्बिनेशन कभी भी कैल्डिकाइंड प्लस के साथ ना करें कि मान लो किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और उसको प्रिस्क्राइब की गई है लॉस तो अगर आप लॉसा टर्न ले रहे हैं तो सेम टाइम पे कैल्डिक एंड प्लस को लेनी नहीं चाहिए दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बना सकते वरना दवाई की इफ़ेक्ट सही से नहीं मिलती साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं फिर यहाँ पे एक और लिस्ट है कि डेक्सामिथासन है कि मान लो कि कोई रेगुलर डेक्सामिथासन का उसका ट्रीटमेंट चल रही है थायराइड का ऑपरेशन है और लिवो थायरॉक्सिन ले रहा है तो कभी भी इनका कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बनाना चाहिए फिर यहाँ पे एक और लिस्ट है हमारे पास कि जैसे कि कोई फिनेटोइन ले रहा है फिनोबारबिटाल है क्लोराम फेनिकोल आप ले रहे हैं इन्फेक्शन हुआ है तो लोमी क्लॉक्सासन कोई ले रहा है तो भी कैलडिकाइन प्लस को सेम टाइम पे नहीं ले सकते मतलब कि आ, दोनों अलग अलग टाइम पे लेना चाहिए कि मान लो कि ये आप मॉर्निंग में ले रहे हैं तो ये जो है उसको नाइट में लेना या फिर शाम को लेना सही रहेगा सेम टाइम पर कभी भी ये मेडिकेशन को नहीं लेते सो so, ऐसे ही आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में आ, सीखना है तो हमारी बुक को जो है वो जरूर से परचेस कर सकते हैं सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट तो बुक के लिए जरूर से हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गुड लक एंड ऑल द बेस्ट